रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आज समापन हो जाएगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। समापन में शाम 7:30 बजे विजेता कलाकारों को पुरस्कार बांटे जाएंगे। विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष नाना भाऊ पाडोले, राज्यसभा सांसद मधुसूदन मिस्त्री और छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आखिरी उत्तराखंड के कलाकार मन लाजपा, जम्मू के बकरवाल, मध्य प्रदेश के भड़म, हिमाचल प्रदेश के गद्दी, कर्नाटक और सिक्किम के नृत्य, झारखंड के दमकच नृत्य, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जिला के दंडामी नृत्य प्रस्तुत करेंगे। और इससे पहले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरे दिन 6 देशों और विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने अपने नृत्य की प्रस्तुति दी। समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि देश की आदिवासी संस्कृति बहुत समृद्ध है और उसे और संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने महोत्सव में आए कलाकारों की तारीफ भी की। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है और उनके अधिकारों के लिए लगातार कोशिश जारी रहेगी। इसमें भी आप देखेंगे कि आदिवासी कह देने मात्र से केवल एक संस्कृति, एक परंपरा, एक नृत्य नहीं है। हर समय में अलग अलग हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नेताजी ने बात कही है कि पूरे देश और दुनिया में जो रीत रिवाज है उसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने सुनने को मिल रहा है। आदिवासियों की संस्कृति बहुत ही वैभवशाली रही है। हर प्रदेश की संस्कृति वहाँ की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग रही है। यहाँ कई आदिवासी नृत्य देखने को मिले हैं जो पहले कभी देखने को नहीं मिले थे। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान अनेकता में एकता। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, क्या कुछ खास रहने वाला है? आज समापन का दिन है, आदिवासियों ने कल भी बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंच रहा है? देखिए, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में पिछले 2 दिनों से चले आ रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव की आज समापन होगी। इस अवसर पर जो वहाँ पर लोकसभा में कांग्रेस सांसद दल के जो नेता हैं, संसदीय दल के अधीर रंजन चौधरी, वो समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। बड़ी संख्या में आम लोग भी वहाँ पर पहुंचेंगे। पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो काफी शानदार प्रस्तुतियां जो 25 राज्य और 6 देशों से जो आए कलाकार हैं वो वहां पर देते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पूरा जो आयोजन है वो सफल इसलिए हो रहा है क्योंकि आम लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जिस ग्राउंड पर ये पूरा आयोजन हो रहा है वहां पर अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ी संख्या में लोग उस प्रदर्शनी में भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सबसे खास बात, कल जब राज्यपाल अनुसुईया उइके जब वहां पर पहुंची थी तब वो भी कलाकारों के साथ नृत्य करते दिखाई दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, जो बेलारूस के कलाकार हैं, सभी कलाकारों ने मंच पर ले जाकर सभी जो अतिथि हैं उनके साथ नृत्य किया। तो लगातार जो चीजें हैं महोत्सव से वो निकल कर सामने आ रही है। पहले दिन हमने देखा था कि खुद राहुल गांधी मंच पर जाकर जो आदिवासी कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के उनके साथ उन्होंने डांस किया था और एक
पूरे आयोजन को समा बांधने की कोशिश हुई थी, तो ये काफी सफल आयोजन अभी होता जा रहा है। और आज अंतिम दिन की बात की जाए तो आज जो राज्यों से कलाकार आए हैं, आदिवासी कलाकार, उनकी प्रस्तुतियां होगी। इसके बाद समापन कार्यक्रम लगभग 7 बजे होगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि और कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे, वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आज जो विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी अलग अलग कैटेगरी में, उन सबके विजेताओं को आज पुरस्कार देकर सम्मान किया जाएगा। हेमंत, क्या लगता है 2-3 दिन से जिस तरह से हम देख रहे थे लोग काफी तादाद में वहां पर पहुंच रहे थे, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो क्या लगता है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि 2 दिनों में जो भीड़ जुट रही उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज अंतिम दिन है पूरे राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का, तो ऐसे में बड़ी संख्या में जो आम लोग हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले जब उद्घाटन हुआ था इस महोत्सव का, तब हमने आम लोगों से पूछा था तो उन्होंने भी जो सरकार की व्यवस्था है वहां पर उसको लेकर उन्होंने कहा था कि अच्छी व्यवस्था वहां पर की गई है, यानी सरकार ने जो व्यवस्था वहां पर किया था उसकी प्रशंसा आम लोगों ने भी की थी, क्योंकि काफी भव्य मंच वहां पर बनाया गया है, लोगों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था वहां पर की गई है। हेमंत, आप लगातार बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।